हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है सुबह के 6:30। तो फाइनली गाइस नहा धो के हो चुके हैं फ्रेश। तो फाइनली अभी जाना है मंदिर और मंदिर से आके मिलते हैं फिर आपको दोबारा। फाइनली गाइस मंदिर से आ चुके हैं वापस, तो अब करते हैं नाश्ता। ले गाइस नाश्ता करके हो चुके हैं फ्री एकदम। तो फिलहाल अभी मौसम है काफ़ी चेंज, आप देख सकते हो पीछे मेरे बिल्कुल ऊपर, क्योंकि घटा फिर से छाई हुई है आसमान में। तो फाइनली बारिश कभी भी आ सकती है गाइस, डेली ऐसी हो रहा है, मतलब सुबह बारिश शाम को बारिश, मतलब सुबह देखते हैं तब भी बादल छाए रहते हैं, शाम पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है आजकल। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है दोपहर के 11:30। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं हस्तिनापुर, यानी कि महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर। तो फाइनली गाइस चलते हैं। तो फाइनली गाइस अब चलते हैं हम हस्तिनापुर की तरफ। तो साथ में खाना और हमारे भाई, आप देख सकते हो साथ खाना ये रहा, खाना भी आज काफ़ी कुछ। पहले तो हमारा प्लान था स्विमिंग पूल जाने का, लेकिन गए स्विमिंग पूल तो हम जा नहीं पाए क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी, तो टाइम बच चल रहा है थोड़ा वो। तो फाइनली अब हमने सोचा थोड़ा हस्तिनापुर जाया जाए, तो फिलहाल जा रहे हैं हस्तिनापुर। फाइनली गाइस मौसम हो चुका है काफ़ी चेंज और ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं अभी भी, लेकिन बारिश पानी स्टार्ट हो चुकी है। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बीच जाएंगे, इसलिए कोई नहीं करते हैं वेट, अगर बारिश होती है दिखते हैं नहीं, होते भी खाना भी है काफ़ी कुछ। तो खाना कैसा लग रहा है तुझे आज, बेहतरीन मज़ा आ रहा है कई जगह, खाने को भी आ रहा है काफ़ी मज़ा। तो फाइनली अभी हम लगभग 40 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हमारे यहाँ से ये किले से है पूरे 40 किलोमीटर। तो पहले अब जा रहे हैं सीधा उधर। तो फाइनली स्कूटी कर दी है पार्क, तो अब चलते हैं। तो फाइनली गाइस अब हम आपको दिखाते हैं, ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये है सुमेरु पर्वत, ये ऐसा कहा जाता है पर्वत वो वाला है कौन सा, यहाँ पर भीम जी ने अपनी कुछ इनकी यादें हैं यहाँ पर। तो फाइनली गाइस आपने जैसे देखा सुमेरु पर्वत, यहाँ काफी बड़ा है ये भी, काफी
मंदिर वगैरह हैं, आपको सभी दर्शन कराएंगे हम आपको यहाँ पर। भीड़ भाड़ तो अभी ऐसी है नहीं, काफ़ी कम है। और इधर देखे काना, तो इधर काना भी ले रहा है पूरे मजे, तो काना मजा आ रहा है। और ये मत कहिए कि स्विमिंग पूल में ना गए, वहाँ गए यहाँ गए। आसपास का टाइम हुआ है और फाइनली जो इनका टाइम है 3 बजे का है, तो फिलहाल अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो फाइनली अभी फिलहाल ऐसे ही घूमते हैं, देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो फिर आते हैं दोबारा, नहीं तो फिर वापस। तो फाइनली का आप देख सकते हो ये है सामने भगवान शांतिनाथ में स्मरण मंदिर, तो फिलहाल ये अभी तो है बंद क्योंकि अभी यहाँ टाइमिंग नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। जो यहाँ टाइम है वो लगभग 3 बजे के आसपास है, हैं मतलब जो कपाट हैं वो 3 बजे खुलते हैं और हम आ गए हैं 2 बजे। अब आ चुके हैं 3 लोक रचना, ऐसा बताया जाता है यहाँ पर कि 3 लोक रचना है, मतलब तीनों लोगों की जो रचना की गई थी वो यहीं पर बैठ के की गई थी, यहीं मतलब अर्जुन और जो भीम थे उन्होंने यहीं पर कुछ मतलब कथा वथा करी, उसी के उससे यहाँ पर मतलब तीनों लोगों की रचना यहाँ पर हुई है। फिलहाल इतनी नॉलेज तो है नहीं यहाँ के बारे में, पर कुछ थोड़ा बहुत पता है। मतलब यहाँ पर मंदिर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब घूमने फिरने के दर्शन करने की काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन फाइनली अभी कपाट बंद है, तो आज हमारा मूड ख़राब हुआ है क्योंकि इतनी काफ़ी दूर से आए, मतलब मेहनत करके आए और फाइनली यहाँ पर सभी चीज़ें बंद मिली, यानी कि सभी मंदिर का कपाट बंद है। फिलहाल आपने पहले देखा 3 लोक रचना वाला और दूसरे थे वो सभी बंद हैं, तो फाइनली अब क्या कर सकते हैं। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना घर वापस आ जाए, क्योंकि ये खुलने वाले तो हैं नहीं, अभी हमने मालूम करा तो बता रहे हैं कि अभी तो ये नहीं खुल पाएंगे क्योंकि आज तो हो चुके हैं बंद, तो यहाँ लाइट वगैरह की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लाइटें आजकल चली रही है क्योंकि गांव वगैरह में भी ऐसी आ रही है, तो फिलहाल यहाँ पर है सभी कपाट बंद, तो फिर कभी आएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे अंदर से सभी का। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो यह पीछे आ जाइए श्री शांति सागर प्रवचन हॉल, तो फिलहाल ये भी बंद है, मतलब जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं सभी मतलब सभी के कपाट बंद है, फिलहाल तो खुलने वाले हैं नहीं, एक दो से पूछा तो बता रहे हैं कि मतलब कल खुल पाएंगे, आज तो हो चुके हैं बंद क्योंकि यहाँ चल रही है लाइट वगैरह की प्रॉब्लम, तो अब तो मुश्किल ही है खुल पाना। तो फाइनली गाइस काफ़ी देर बाद सिर्फ एक ही है ये जो मतलब मंदिर मिला है फिलहाल, मतलब मंदिर ये दिगंबर जैन मंदिर है, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, पूरे पीछे मूर्ति बनी हुई है और ऊपर देख सकते हो पेंटिंग भी काफ़ी अच्छी हुई हुई है, ऊपर देखो आप देख सकते हो। टाइम भी हो चुका है 3:30, तो फाइनली अब हम चल दें घर वापस के लिए, यानी कि कुछ मतलब सभी मंदिर कपाट बंद थे, एक दो ही थे जिनके मतलब कपाट जो खुले हुए थे वरना सभी बंद थे, फाइनली हम यहाँ आकर बेकार ही रहे क्योंकि सभी मंदिरों का पार्ट बंद है तो हम कुछ कर नहीं पाए, तो फिलहाल हमारा टाइम तो वेस्ट ही रहा, फिर देखते हैं कभी आते हैं तो फिर कराएंगे आपको दर्शन।
तो फाइनली गाइस अब कुछ खाते पीते हैं और ये हम लेते हैं बर्फ का गोला, देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल मैंने पहले तो कभी खाया नहीं, आज फर्स्ट टाइम खाऊंगा। तो फाइनली हमने आ गए हैं तीन गोले ऑर्डर, तीन तो नहीं दो, एक खाना का और एक कपिल भाई का, और मैंने अपने लिए किया शिकंजी, तो मैं तो लूँगा शिकंजी का, मुझे खाना ले लेंगे बर्फ के गोले का। मुझे बर्फ का गोला आ चुका है खाने का, और देखो तो खाना कैसा लग रहा है बता दो जी। मजा आ गया बता है, तो बढ़िया लग रहा है और तो खाना को रहा है काफ़ी टेस्ट, तो एक बार मुझे तो सेंटर वाले से। फाइनली शिकंजी आ चुकी है, अब लेते हैं शिकंजी का मजा। तो फाइनली मैंने अपनी शिकंजी खत्म कर दी है, उधर खाना अभी भी लगा हुआ है, देखिए काफी मजे ले रहा है, और देखिए इसका गोला टूट कर नहीं देगी। फाइनली गाइस अब आ चुके हैं जम्बूद्वीप पर, और पीछे देख सकते हो यहाँ भी फिलहाल गेट बंद है, तभी लगेगा ना काफ़ी टाइम, क्योंकि अभी तो बता रहे हैं यहाँ पर आज तो बंद ही रहेगा। पीछे देख सकते हो काफ़ी अच्छा है यहाँ से। तो फाइनली गाइस जैसे आपने देखा जम्बू गेट के गेट तो हैं फिलहाल अभी बंद, क्योंकि तो टाइम काफ़ी रहा आ जा करते हो जम्बूद्वीप और अच्छा बना है यहाँ पर, मतलब है ऊपर टिका हुआ भी है नागपुर पार्थनाथ द्वार। तो फाइनली अभी तो गई ये तो है बंद, तो फाइनली आज टाइम तो मतलब बेकार ही रहा, वेस्ट टाइम रहा, मैं तो इसे वेस्ट मानता हूँ क्योंकि यहाँ आए और हमारी मेहनत बेकार रही। तो फाइनली फिर से लगे वो, तो अब हम फिर चाट की दुकान पर आ गए हैं, पीछे उधर चाट की तैयारी चल रही है, खाना देके इधर ही पहुँच चुका है। टाइम हो चुका है शाम के 4:30, तो फाइनली दर्शन तो यहाँ कर चुके हैं, कपाट तो मिले बंद यहाँ पर, तो फिलहाल अब चलते हैं घर वापस, क्योंकि टाइम जो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, हम सुबह मतलब 11:30 बजे आए थे और अब यहाँ से 5:30 बजे हैं, तो फिलहाल अब चलते हैं वापस। मुझे खाना भी काफ़ी खुल चुका है, घूम फिर के यहाँ पर, तो खाना भी हुआ काफ़ी परेशान, या खाना परेशान नहीं हुआ, तो फाइनली फाइनली खाना कैसा लगा तुझे ये तो बता। तो फाइनली अब आ चुके हैं हम वापस घर, तो गाइस हमें काफ़ी टाइम लगा घर आने में वापस, क्योंकि हम दोपहर 11:30 बजे के आसपास गए थे और उसके बाद तब से अब आए हैं वापस घर। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है 9:30, तो फिलहाल सभी घर से सो चुके हैं, तो फाइनली गाइस मैं ये भी जाग रहा हूँ। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद है तो आपको लाइक करना, शेयर करना, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।